आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे शीघ्र पतन के बारे में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इसके क्या कारण होते हैं और एक्यूप्रेशर के जरिए हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो आजकल बहुत कॉमनली मेल्स में देखा जा रहा है, इसका सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है स्ट्रेस। जिन भी पुरुषों को, मेल्स को स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ऑफिस के कारण हो, घर के कारण हो, किसी भी कारण से हो, उनमें ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। सेकंड जो कारण आता है वो आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। जो लोग एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको ये ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड जो कारण आता है वो आता है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो पुरुष एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी, बॉडी जिनकी मूवमेंट नहीं होती, सर्कुलेशन नहीं होता, उनको ये शीघ्र पतन की समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर जो फोर्थ कारण आता है वो आता है आपका ओवरवेट। जिन भी मेल्स के अंदर वज़न जो है जिनका ज़्यादा है, ओवरवेट है, उनको ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिफ्थ जो कारण आता है, कोई मेल किसी ज़्यादा मेडिकेशंस पे है, जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस है या कोई और उसकी स्ट्रांग मेडिकेशंस चल रही है, उसके कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है आपका स्मोकिंग। जो व्यक्ति एक्सेसिव स्मोकिंग करता है उसको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम या अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। जो भी व्यक्ति ज़्यादा शराब का कंजम्पशन करता है, अल्कोहल ड्रिंकिंग ज़्यादा करता है, उसको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको हम बताएंगे कि आप इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर के जरिए, इस टेक्निक के जरिए हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को भी बिना स्वप्न के वीर्यपात हो जाता है या जो यूरिन है वो बूंद बूंद करके आता है, पेशाब को रोकने में कठिनाई होती है या यूरिन जो है अपने आप निकल जाता है या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, इसमें अगर किसी के शरीर में ज़्यादा दर्द रहता है, निचले हिस्से में, कमर से नीचे के हिस्से में थकान सी लगती है, वो इस सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो एक्यूप्रेशर के जरिए मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा, उन बिंदु पे आप उपचार देंगे और आप देखेंगे इस समस्या से आपको निजात मिलना शुरू हो गया। तो जानते हैं इन बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले पहला जो पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स, वो आता है नंबर वन पॉइंट जो आएगा वो आपका आएगा हैंड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे K3, ये जो आपकी मिडल फिंगर है रिंग फिंगर वाले साइड पे, यहाँ कॉर्नर पे पहला पॉइंट आएगा K3, जहाँ मैंने ये प्रॉब लगाया है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। K3। दूसरा जो पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट आपका, इस हाथ पे इधर सीधा चलेंगे, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच सीधा चलेंगे, तो ये जो रेखा होती है इससे जस्ट पहले जो बिंदु आता है, इस बिंदु को हम कहते हैं CV4 यहाँ पे। और बाकी जो 3 से 4 पॉइंट है वो पीछे की साइड है। अगर हम उंगली को ऐसे रखते हैं, यानी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बैक साइड पे अगर हम चलते हैं, तो जहाँ पे ये रुक जाता है जाके, इसके आगे जाना ही बंद हो जाता है उंगली, यानी एक रुकावट सी महसूस होती है। तो हम अगर वहाँ पे एक पेन के पीछे के हिस्से से चेक करेंगे या इस प्रोब से चेक करेंगे, तो ये इसके आगे जा नहीं रहा, और इसकी हम सीध देखेंगे तो ये इस थंब के कॉर्नर की सीध में आएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे GV4, उसके साथ में ही आप देखेंगे GV4 के साथ में ही जो है आपका UB23 एंड उसके साथ में ही UB47 और साथ में जिंगबोंग, ये 4 पॉइंट एक साथ लगेंगे। इसको कैसे ट्रीट करना है, इस पर हम लगाएंगे ब्योल मैग्नेट। ये होती है ब्योल मैग्नेट, जिसका एक साइड पीला है और दूसरा साइड इसका सफ़ेद होता है। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक साइड इसका सफ़ेद है, दूसरा साइड इसका पीला है। हमें क्या करना है, पीला साइड जो है स्किन को टच करेगा, यानी वाइट साइड जो है लगने के बाद दिखेगा, पीला साइड स्किन को टच करेगा।
तो शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे लगाते हैं, ये पहला पॉइंट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये ट्रीटमेंट दोनों हाथों में अप्लाई करना है। पहला पॉइंट पे मैग्नेट लगाई K3 पे, सेकंड सेकंड पॉइंट पे देखेंगे तो पॉइंट्स जो है आपके, जैसा कि मैंने बताया, इस हाथ पे आगे चलेंगे और जहाँ ये जाना बंद हो जाएगा उसके साइड में प्रॉब रखेंगे या पेन का पिछला हिस्सा रखेंगे तो ये पॉइंट जो है आपका यहीं से शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक साथ एक टेप पे ही चार पॉइंट बना के लगा दिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। यही सेम प्रक्रिया दूसरे हाथ में भी अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट इस रेखा के बिल्कुल सीध में यहाँ पे, सेम चीज़ आगे के पॉइंट्स की एक यहाँ पे और दूसरा जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, और बैक साइड पे देखेंगे तो चार पॉइंट और चार पॉइंट। मैं आपको इस पॉइंट्स की लोकेशन पेन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये, दूसरा जो पॉइंट आपका आएगा वो आपका इस रेखा से इधर यहाँ पे, ये देखिए ये जिस पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। बैक साइड पे चार पॉइंट आएंगे तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये एक ही लाइन में एक ही सीध में आएंगे। दूसरे हाथ पे भी ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पहला पॉइंट आपका सेंटर में, और ये रिंग फिंगर वाली साइड मिडल फिंगर के ऊपर पॉइंट, और बैक साइड के पॉइंट्स देखेंगे तो एक दो तीन और एक है चार, ये चार पॉइंट आपने थंब की साइड ड्रॉ करने हैं, ये इसकी सीध में ही रहेंगे, ये थंब का जो जॉइंट है ये पॉइंट्स इसकी सीध में ही आएंगे। आप इन चारों पॉइंट्स जो पीछे है और दो पॉइंट्स आगे हैं, छह पॉइंट्स पे वाइट मैग्नेट लगातार लगाना है, ये बियोल मैग्नेट होती है, आप इसको लगातार एक महीना करिए और आपको चेंजेस दिखेंगे। और जो प्री मैच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम है या बिना स्वपन के वीर्यपात हो जाता है या यूरिन की कोई प्रॉब्लम है या कमर में कोई हल्का फुल्का दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, घुटनों में हल्का कमजोरी लगती है या यूरिन जो है आपका पैटर्न का डिस्टर्ब होता है या यूरिन रोक पाने में असक्षम हैं आप, यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, या यूरिन जो है आप ड्रिबलिंग करके यूरिन आता है, बूंद बूंद पेशाब होता है, इन सारी समस्याओं में आपको प्रॉब्लम में, इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको रिजल्ट दिखेगा और आप इन सब समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप इसे करिए और हमें बताइए। अगर आपको बियोल मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।